पहले टेस्ट में हार के बावजूद रोहित शर्मा ने किया अपने गेंदबाजों का बचाव, कहा कि भारतीय टीम को अपने गेंदबाजों पर पूरा भरोसा है। नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ क्रिकेट केसरी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की सीरीज का दूसरा व अंतिम टेस्ट मैच आज से केप टाउन में खेला जाना है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे टेस्ट मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से सवाल जवाब में कहा, भले ही उनके गेंदबाजों के पास कम अनुभव है लेकिन उन्हें अपने गेंदबाजों पर पूरा भरोसा है। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में एक पारी और 32 रनों की शिकस्त मिली थी। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने 408 रन लुटवा दिए थे और भारतीय बल्लेबाज दोनों पारियों में मिलकर भी उस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाए थे। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल ने शानदार शतक मारा था पहली पारी में, जिन्होंने 101 रनों की 74 पारी खेली थी और भारतीय टीम को पहली पारी में 245 रन का स्कोर पहुंचाया था, जबकि दूसरी पारी में विराट कोहली के 76 रनों के अलावा किसी भी खिलाड़ी ने क्रीज पर हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं कर पाया था। इसी के साथ भारत का दक्षिण अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का सपना भी एक बार फिर से चकनाचूर हो चुका है। हालांकि अभी रोहित शर्मा के पास सीरीज बराबरी करने का एक मौका है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2010 और 11 में दक्षिण अफ्रीकी सरजमी पर पहली बार सीरीज बराबर करी थी। आपको याद होगा कि उस सीरीज में भारत ने 1-1 से सीरीज को बराबर किया था। भारतीय कप्तान ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीम प्रबंधन ने भारत के कम अनुभव वाले गेंदबाजों पर पूरा भरोसा जताया है। रोहित शर्मा ने कहा, केप टाउन टेस्ट में हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी ये अभी तक तो हम तय नहीं कर पाए हैं, लेकिन जल्द से जल्द इसका रिजल्ट आ जाएगा। सभी खिलाड़ी फिट हैं और मुकाबला खेलने के लिए उपलब्ध हैं। हम मैच से पहले टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर फैसला करेंगे कि प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी को जगह देनी है। मुझे लगता है कि हमारे गेंदबाजी लाइनअप के पास कम अनुभव है, लेकिन इस मामले में हमारी टीम को उन पर भरोसा बनाए रखना होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि तेज गेंदबाज प्रशित कृष्णा के अंदर वो सारे हुनर मौजूद हैं जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए जरूरी होते हैं। कृष्णा ने पहले टेस्ट में 93 रन देकर 1 विकेट लिया था। रोहित ने कहा, मैंने पहले टेस्ट के बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही थी मैं आज भी उसी पर बना रहूंगा। प्रशित कृष्णा के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने की पूरी क्षमता है। यह उनका पहला मैच था। डेब्यू मैच में कोई भी खिलाड़ी नर्वस हो सकता है या उसे घबराहट होना लाजमी है। पहले टेस्ट मैच के बाद पूर्व सलामी बल्लेबाज कृष्णमाचार्य श्रीकांत ने भी दूसरे टेस्ट में शार्दुल ठाकुर को बाहर कर रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल करने की बात कही, ताकि अश्विन और रविंद्र जडेजा दूसरे टेस्ट में एक शानदार टाइट लाइन से गेंदबाजी करें और 3-4 विकेट झटक के दे सकें। अब देखना काफ़ी रोमांचक होगा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट दूसरे टेस्ट में क्या बदलाव करता है। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम की कोशिश सीरीज 1-1 से बराबर करने की है। इसके अलावा भारतीय टीम दीन एलगर के संन्यास के मैच में जश्न का माहौल बिगाड़ना चाहेगी। इस मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम की कमान डीन एलगर ही संभालने वाले हैं, क्योंकि उनके वर्तमान कप्तान तेम्बा बहुमा सेंचुरियन टेस्ट में चोट लगने के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। केप टाउन टेस्ट भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होने वाला है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि केप टाउन टेस्ट मैच में भारतीय टीम को क्या बदलाव करना चाहिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।